अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। आज की वीडियो में कंपेटेटिव और ई स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ही कमाल की न्यूज़ रहने वाली है। सबसे पहले रिक्वेस्ट रहने वाली, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम 6000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज रहने वाले हैं। सबसे रिक्वेस्ट रहने वाली है, जो जो चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी ऑल पे कर दें, ताकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपडेट्स हाइलाइट्स का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हम बात करते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। पहली न्यूज़ हमारे पास रहने वाली है ब्लेड के रिलेटेड। रिसेंटली मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो X8 के एक्सप्ले ब्लेड रहने वाले हैं वो आई थिंक लाइनअप चेंज करें, और रिसेंटली जो ब्लेड रहने वाले हैं रिसेंटली मैचेस के अंदर आपको टीम रेजी साइड के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो X8 के ब्लेड रहने वाले आफ्टर X8 वो टीम रेज में चले गए थे, लेकिन टीम रेज डिसबैंड हो चुकी है। लाइक जितने भी प्लेयर्स रहने वाले थे वो दूसरी टीम्स में जा चुके हैं। जो ब्लेड रहने वाले थे फिलवाल के लिए फ्री एजेंट रहने वाले हैं, तो रिसेंटली ब्लेड आपको टीम रेजी साइड के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और रिसेंटली ब्लेड ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाई, जिसके ऊपर उन्होंने थोड़े से हाइलाइट्स का क्लिप लगा के ऊपर उन्होंने लोडिंग लिखा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या X8 के जो एक्स प्ले ब्लेड रहने वाले हैं वो क्या टीम रेजी साइड को ज्वाइन कर रहे हैं? बिकॉज आप सबको मैं बताता चलूं, जो रेजी साइड के नोकी रहने वाले थे उनका रिसेंटली फेयरवेल हो चुका है और टीम रेजी साइड को एक फ्रैगर की जरूरत है। आप सबको पता है, जो X8 के ब्लेड रहने वाले हैं उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहने वाला है लैन इवेंट का, ग्लोबल इवेंट्स का। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या X8 के ब्लेड जो रहने वाले हैं टीम रेजी साइड को ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे? इसी के साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास रहने वाली ISF वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 के एशिया ओशन क्वालिफायर्स के लेटेस्ट। सबसे पहले मैं सबको बताता चलूं, वर्ल्ड स्पोर्ट कप और ISF वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 दोनों डिफरेंट टूर्नामेंट्स रहने वाले हैं, लेकिन दोनों टूर्नामेंट्स आपको लैन इवेंट देखने को मिल रहे हैं रियाद के अंदर। सबसे पहले मैं आपको इसका पबजी का स्केड्यूल बता देता हूं। जो पबजी मोबाइल के जो मैचेस रहने वाले हैं आपको 7, 8, 9, 10 जुलाई को देखने को मिल जाएंगे। टोटल 28 टीम्स होंगी, जिनके अंदर दो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी, और पर टीम आपको 12 मैचेस देखने को मिल जाएंगी। पर ग्रुप में से जो भी टॉप 2 टीम्स आएंगी वो क्वालिफाई होंगी रियाद के लैन इवेंट के लिए, लेकिन जो क्वालिफायर्स होंगे वो आपको एक ऑनलाइन इवेंट ही देखने को मिल जाएगा। जो भी टॉप 2 टीम्स आएंगी वो क्वालिफाई हो जाएगी रियाद के लैन इवेंट के लिए। टोटल पार्टिसिपेंट रीजन्स भी आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पाकिस्तान का फ्लैग भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान को टीम X8 रिप्रेजेंट करेगी। इसी के साथ साथ आपको मंगोल रीजन में ISC स्पोर्ट रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ जाएगी, और नेपाल के अंदर आपको लियो स्पोर्ट रिप्रेजेंट करते हुए नजर आ जाएगी। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट रहने वाला है, बिकॉज हर कंट्री से एक टीम अपने अपने रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसी के साथ साथ बढ़ते हैं X8 के रोस्टर के बारे में, जो कि ISF वर्ल्ड स्पोर्ट के मैचेस में आपको खेलता हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर X8 के उजम, क्रिप्टो, फलक और IQ देखने को मिल जाएंगे। तो रिसेंटली बहुत से रूमर्स फैल रहे थे X8 के प्लेयर चेंज हो रहे हैं कि नहीं चेंज हो रहे, तो फाइनली आप सबको इसका जवाब मिल चुका होगा। जो X8 की रोस्टर रहने वाला है वो सेम ही रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ बात करते हैं काउंटर स्ट्राइक के क्वालिफायर्स के रिलेटेड, जिसके अंदर आपको बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम्स देखने को मिल जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से कम मिड आपको खेलते हुए नजर आ जाएगी और इंडिया की तरफ से आपको गॉड्स रेंज खेलते हुए नजर आ जाएगी। लोग क्या लगता है, काउंटर स्ट्राइक के अंदर टीम पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करेगी? इसी के साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास रहने वाली है PMRC के रिलेटेड। रिसेंटली मैंने आप सबको बताया था पबजू बाई रीजन क्लैश 2024 हो रहा है, जो कि पेल वर्सेस CSA वर्सेस C रीजन हो रहा है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे PMRC 2024 होगा वो गेम ऑफ पीस पर होगा या पबजू मोबाइल पर होगा। मैं सबको बताता चलूं, जो मोबाइल गेम रहने वाली है वो गेम ऑफ पीस रहने वाली है। चाइना की रीजन की टीम
टीम्स को थोड़ा सा बेनिफिट होगा एज कम्पेयर टू CSA और सी रीजन को। आपको क्या लगता है CSA की टीम गेम फॉर पीस में किस तरह से कम्पीट कर पाएगी PMRC 2024 को? PMRC 2024 के रिलेटेड में आपको बताता चलूं, जो ISC के एलेक्स रहने वाले हैं उन्होंने PMRC के लिए टीम स्टारवर्ड स्पोर्ट को ज्वाइन कर लिया है। सबको पता है स्टारवर्ड स्पोर्ट को भी इन्वाइट आया PMRC 2024 के लिए। रिसेंटली PMSL CSA में स्टारवर्ड स्पोर्ट की इस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आई थी, जिसकी वजह से एलेक्स जो रहने वाले हैं वो सिर्फ PMRC 2024 के लिए टीम स्टारवर्ड का हिस्सा बनेंगे। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना लाइक, को कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। हम 6000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज रहने वाले। सबसे रिक्वेस्ट रहने वाली है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें।